नगर स्टेशन है और इसका पहले नाम था केवड़िया। यहाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए यही सबसे पास का स्टेशन है, यहाँ पे भी आपको उतरना पड़ेगा। स्टेशन पे वॉशरूम की सुविधा वगैरह अच्छी है, पानी पीने के लिए और वेटिंग रूम वगैरह है, तो ओवरऑल स्टेशन पे सुविधा अच्छी है, लेकिन छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। और यही स्टेशन के बाहर से ही आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बस मिल जाएगी, जो कि फ्री सर्विस है, आपकी टिकट में इंक्लूड है अगर आपने ऑनलाइन टिकट निकाला है तो। अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं निकाला है तो उसका आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और यही बस है जो जा रही है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। यहाँ पे देखिए ये पिंक रिक्शा भी चलती है, तो आपके पास ऑप्शन है वहाँ पे जाने के लिए कई सारे। और ये यहाँ की पार्किंग है और यहीं पे ये बस स्टॉप है जहाँ से कि आपको फ्री बस सेवा मिलेगी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक के लिए। और ये लाइन लगी है ये बस पकड़ने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की। एक अच्छा की बस खुले सी है, हर 15-20 मिनट के बाद ये बस चलती है यहाँ से, कंफर्टेबल है। यहाँ से ज़्यादा 15 मिनट का टाइम है स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचने के लिए। फर्स्ट व्यू ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये है यहाँ का बस का ड्रॉप पॉइंट, यहीं बस उतार देगी, उसी के सामने है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। अंदर यहाँ से हार्डली 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। यहाँ पे है इसकी एंट्री अंदर जाने के लिए। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको 150 का टिकट मिलेगा, तो 150 का जो टिकट है वो आप नीचे तक ही देख सकते हैं। और दूसरा जो टिकट है वो 380 रुपीज़ का है, जो व्यूइंग गैलरी का है, जिसमें कि आप अंदर ऊपर 45 फ्लोर तक जा सकते हैं और अंदर से पूरा व्यू दे सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक करके आइए, ताकि आपको यहाँ पे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े और आपके टाइम की भी बचत हो। हमारे भारत देश के लौह पुरुष जिनको कहा जाता है श्री वल्लभ भाई पटेल, उनकी ये प्रतिमा है। और ये जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई लगभग 200 फुट यानी 182 मीटर्स हाइट पे है, और अंदर जो व्यूइंग गैलरी है वो 45 फ्लोर के ऊपर है। तो हम लोग ने जो टिकट लिया है वो भी व्यूइंग गैलरी का ही है। यहाँ पे जो टाइम है देखने का उसके लिए स्लॉट बने हुए हैं, 2-2 घंटे का स्लॉट है, 10 से 12, 12 से 2। तो हमारा जो स्लॉट है 10 से 12 बजे तक का है और लगभग 11:30 बज गए हैं इस समय, और हम लोग 11:30 बजे के अंदर एंट्री हो गई है हमारी। और ऐसा नहीं है आप खाली स्लॉट के अंदर आपको एंट्री लेना है, उसके बाद अंदर आप कितने बजे तक भी रहिए, 2 बजे तक 4 बजे तक भी है। तो अगर आपके पास बाटली है तो आप भर सकते हैं, अगर आपके पास बाटली नहीं है तो आपको बॉटल का 50 रुपया देना पड़ेगा पानी के साथ में। ये है मेन स्टैचू जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे ऐसे ई बस भी है, और जो भी चलने में प्रॉब्लम है किसी को या कुछ प्रॉब्लम है तो वो ई बस से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँच सकते हैं। अगर आप चलना नहीं चाहते तो आप इस एस्केलेटर पे भी चल सकते हैं, जो अपने आप चल रही है और आपको वहाँ तक पहुँचा देगी बिना मेहनत किए। यहाँ से देखिए कितनी ऊंचाई पे दिखाई दे रही है। ये जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है, जिसकी ऊंचाई कम से कम
182 मीटर यानी लगभग लगभग 600 फीट हाइट है। देखिए हम लोग और पास आ गया हूँ, अभी यहाँ से देखिए क्या हाइट दिख रही है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं व्यूइंग गैलरी की तरफ। और ये है कुछ अंदर का व्यू, यहाँ का ब्यूटीफुल, फुली एसी है अंदर और काफ़ी रिलीफ लग रहा है, बाहर बहुत धूप है। यहाँ पे अंदर वॉशरूम और पीने के पानी की फ्री सुविधा है, आप आराम से उसका यूज़ यहाँ कर सकते हैं। अंदर स्टैचू के सर का हिस्सा है, उसके छोटे रूप में यहाँ पे लगाया गया है ताकि लोग अच्छे से उसको देख सकें। और स्टैचू को L&T कंपनी ने बनाया है पूरी तरह से, उन्हीं को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इसको 3 साल में ही बना के पूरा कर दिया गया। अंदर का व्यू काफ़ी खूबसूरत है, बढ़िया ब्यूटीफुल एकदम है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अक्टूबर 2018 को किया था। यहाँ पे ऐसे कई सारे LED लगे हुए हैं जो इस स्टैचू के निर्माण की कहानी बताते हैं। इसे बनाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यहाँ पे कई सारे प्राणियों के और पक्षियों के LED लगाए गए हैं जो कि आपको जंगल सफारी में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे कई सारे प्रोडक्शन और लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। थिएटर है जहाँ पे एक छोटा सा शो दिखाया जाता है, जैसे कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे बनी है उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे अंदर दिखाया जाता है। चलते हैं यहीं पे भी। 1928 में बाल गोपाल सत्याग्रह के बाद उनकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा स्थापित हो गई और लोगों ने उनको सरदार कहना शुरू कर दिया। और ये व्यूइंग गैलरी की जो लिफ्ट है उसमें जाने का ये रास्ता है, हम लोग चलते हैं व्यूइंग गैलरी की तरफ। और यहाँ जो लिफ्ट है इसके लिए लाइन लगी हुई है अंदर। जो व्यूइंग गैलरी है वो 45th यानी 45वें फ्लोर पे है और ये लिफ्ट है जो बहुत ही फास्ट लिफ्ट है, 45 सेकेंड के अंदर ही वहाँ पहुँचती है। चलो अपनी लिफ्ट आ गई, अब चलते हैं लिफ्ट में। और यही है वेविंग गैलरी, 45th फ्लोर की गैलरी का मेन एंट्री। देखिए व्यूइंग गैलरी में इस तरह की जाली बनी है और यहाँ से आप बढ़िया व्यू देख सकते हैं। और सामने जो दिख रहा है वो है सरदार सरोवर डैम। ये व्यूइंग गैलरी, यहाँ से देखिए कैसा डैम का बढ़िया दृश्य दिखाई देता है। और इस समय हम लोग जो है ये सरदार जी का जो स्टैचू है उसके चेस्ट में हम लोग 45th फ्लोर के ऊपर। तो अगर आप कभी भी टिकट ले रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप ऑनलाइन जो टिकट परचेस करें वो व्यूइंग गैलरी का ही करें ताकि अंदर आके आप ये सब चीज़ अच्छे से देख सकें, क्योंकि इसी में मज़ा है यहाँ देखने का। और ये सब अंदर का स्ट्रक्चर है, कैसे मटेरियल लगा है, क्या बना है, सब देखिए नीचे से ऊपर तक दिखाई दे रहा है। ये सुंदर नीचे देखिए लाइटें लगी है, लेकिन ब्यूटीफुल लगेगा। और ये जो है व्यूइंग गैलरी के दूसरी तरफ का व्यू है,
और ये जो लाइन लगी है लिफ्ट से नीचे जाने के लिए, तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे। ये जो ऊपर है जाने का रास्ता है, इसके लिए एस्केलेटर लगी हुई है। ऊपर से देखिए कितना सुंदर व्यू है, ये सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी और इस तरफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब मुझे एकदम मुंडी ऊपर करके देखना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा उनका जो फेस है यानी गर्दन दिखाई दे रही है। अभी हम लोग नज़दीक जाएंगे तो और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल पास आ गए हैं मूर्ति के नज़दीक। यहाँ से देखिए बिल्कुल फेस दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे ऊपर देखने के लिए इतना मंडी ऊपर का खड़े हो जाइए सब लोग। का जूता है वो भी हम लोग के हाइट से कई सारा बड़ा है। देखिए मैं एकदम पास में खड़ा हूँ, कहाँ तक आ रहा हूँ। अभी मैं स्टैचू के पीछे तरफ हूँ, यहाँ से देखिए एकदम मुझे मुंडी टेढ़ी करनी पड़ रही है। इसकी हाइट 6.2 है, देखिए इतना छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो यहाँ तक आने के लिए सबसे अच्छा रास्ता जो है वो ट्रेन का है। तो ट्रेन से आप आके एकता नगर स्टेशन उतर सकते हैं, जिसको कि केवड़िया नाम से जाना जाता था। और स्टेशन के बाहर आते ही आपको वहाँ से फ्री बस मिलेगी, आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक लेके आएगी। उसके लिए आपके पास ऑनलाइन टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो आपको 30 रुपीज़ बस के लिए पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो आपको यहाँ से 5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। और पार्किंग से ये बस जो सर्विस है पार्किंग से भी यहाँ तक के लिए अवेलेबल है। और पार्किंग से यहाँ पर आपको ले आएगी और आपका यहाँ पर विजिट होने के बाद आप यहाँ से फिर आपको पार्किंग तक छोड़ देगी। रेट बताऊं तो टिकट 150 में आप नीचे तक घूम सकते हैं, ऊपर जाके जहाँ मैं पैर तक गया था वहाँ तक आप जा सकते हैं। और आपको अगर व्यूइंग गैलरी में जाना है तो आपको 380 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। तो आप व्यूइंग गैलरी में अंदर 45 फ्लोर तक जाके उसका मज़ा ले सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप व्यूइंग गैलरी का टिकट लें, क्योंकि इतना दूर आने के बाद उसी में मज़ा आए देखने के लिए। व्यूइंग गैलरी के अंदर ज़रूर जाइए और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी सारी है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू है नर्मदा रिवर का। पानी एकदम क्लीन है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, शायद वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा हो। उधर सामने है सरदार सरोवर डैम। ये है यहाँ का फूड कोर्ट, अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ फूड कोर्ट में आके खा सकते हैं। और अंदर चलते हैं, कुछ खाएंगे, भूख लगी है। यही है फूड कोर्ट और 4-5 स्टॉल्स है यहाँ पे, देखते हैं क्या मिलता है। तो यही सब स्नैक्स वगैरह, यही लंच वगैरह की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम लोग ने लिया है खमन और समोसा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। करते वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद की भी वीडियो आएगी, सही रिलेटेड है, तो वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।